अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। हमेशा की तरह मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जनाब, आज जब मैं सुबह आई तो मेरी टीम पूछ रही थी आज क्या आप ऐसे एनक के साथ शो करने वाली हैं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह एनक के साथ। वैसे चूँकि मेरी आँख पर इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो मुझे पढ़ने में बड़ी दुश्वारी होती है, तो लिहाजा मैंने सोचा कि मैं ग्लासेस पहन कर आज शो कर लूँ। अगर कोई नहीं पहचान पा रहा तो मैं बता दूँ कि मैं अरमला हसन हूँ। और अभी कान में मेरी आवाज़ें आ रही थी कि लोग परेशान हो गए कि आपको क्या हुआ है। मैंने कहा भाई जब आंखों का बड़ा नाजुक मामला होता है तो ऐसे में थोड़ा देर, मैंने कहा पढ़ते हुए मैं लगा लूँगी उसके बाद मैं उतार दूँगी ताकि लोगों को पहचानने में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जनाब, तो आज का दिन हम आपके साथ हमेशा की तरह एक भरपूर आगाज़ करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, आपसे कुछ रिसर्च शेयर करेंगे, अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे। लेकिन आज की चूँकि मैं पहले आपके साथ जो शेयर करती चलो जनाब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल इस्तेमाल भी होता है और हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें कूड़ा समझ कर इनको फेंक भी देते हैं। तो आज जनाब आप जो टिश्यू रोल इस्तेमाल करते हैं आपके अमूमन घरों में जब ख़त्म हो जाता है तो हम उसको उठा कर फेंक देते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे तरीके भी हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत जो कह लें पॉजिटिव अंदाज में। तो ये जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपके घर में बच्चों के टॉयज जो हैं वो जगह जगह गाड़ियाँ उनकी बिखरी हुई हैं तो आप उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस टिश्यू पेपर या उसके रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप जो कह लें बागबानी यानी कि गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप इस सब किस काम के लिए भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इसके नीचे एक और कार्ड का कोई पेपर लगा कर इसको बतौर गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं आरजी तौर पर, क्योंकि परमानेंटली तो आप इसको डेफिनेटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, दफ्तर आपके ऑफिसेज में उन टेबल पर आपको पेन और इस तरह की चीज़ें रखने के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दरकार होती हैं तो आप इस रोल का इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जैसे आप मिरर है या कुछ ऐसी उसके ऊपर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव जो कह लें इसके काम हो सकते हैं इस रोल की मदद से। और वैसे भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो लोग करते हैं वो हर छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा। आई रिमेम्बर मेरी कज़न होती थी, वो जो हम पिस्ता खाते हैं वो पिस्ते के जो उसका खोल होता था उसको मिरर पे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करती थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती थी और हम सोच भी नहीं सकते, हम तो खाते थे पिस्ते और फेंक देते थे खा के भी क्या है, और वो चीज़ें छोटी छोटी इकट्ठी करती थी। तो जनाब आज भी हम आपकी मुलाकात ऐसे एक मेहमान से करवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं दूसरी आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लूँ। अमूमन हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स आपको पता है कि पढ़ने के लिए आपने बस इस्तेमाल की और आपका ये होता है कि इल्म में इजाफे के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ मुसव्वरी को भी अटैच कर दें तो बहुत ज़्यादा एक कह लें पॉजिटिव रोल सामने आ जाते हैं। मुसव्वरी से आप उसको किस तरह से अटैच कर सकते हैं, हर शोबे में हम डेफिनेटली देखते हैं कि कोई ना कोई काम बंदा बहुत पॉजिटिव अंदाज में कर रहा होता है। और जो आर्ट है ये बहुत एक डिफ़िकल्ट जॉब भी, अगर बुक्स को आप देखें वुमन पहले तो बुक्स ऐसी स्टोरी बुक्स आती थी जिनको आप जब बंद करते थे तो उनके ऊपर कोई ना कोई ड्राइंग लगी होती थी जैसे आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और कार्टून अमूमन जो करेक्टर्स होते थे उनकी पिक्चर्स होती थी। तो इसी तरह से ये एक आर्टिस्ट हैं जनाब जो इसके बिल्कुल किताब को जब आप बंद करते हैं तब आप इनकी पेंटिंग देख सकते हैं। अगर आप इनको अलग अलग सफ़ात पे देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको देख सकें। तो डेफिनेटली बुक के साथ अगर इस तरह की आर्ट कर जाए तो एक शाहकार ही बन जाता है, और ये शाहकार जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप समझते हैं कि ये बहुत बेकार हैं या जिनको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन उनके बहुत सारे रोल भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आप उसको किसी पॉजिटिव काम में, किसी घर की डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने पिस्ते के छिलकों की बात की, इवन मूंगफली के जो छिलके हैं वो बड़ी जगहों पर यूटिलाइज होते हैं। फिर आपको अक्सर ऐसे यूट्यूब पर वीडियोज़ मिल जाती हैं कि आप परेशान होते हैं कि किस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इवन पैकिंग के लिए मैं देख रही थी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि मुझे आप जब सूटकेस भर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको समझ नहीं आ रहा था क्या रखें क्या ना, और फिर आपको ओवर लोड हो जाता है। सारी चीज़ें आप बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मैं यूट्यूब पर देखती कि उन्होंने आपको बताया आप इस तरह से रोल करें उसको फिक करें। अच्छा, घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप एज अ ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात अपनी मेहमान से करवाने वाले हैं, वो भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट में एक्सपर्ट है, हमें ज्वाइन किया है अलीना नकवी ने। वेलकम करते हैं अलीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अलीना। सबसे पहले तो अपने इस आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बैकग्राउंड के हवाले से हमें बताएं।
का बैकग्राउंड यही है कि मैंने मम्मा को देखा था स्केच करते हुए. अच्छा, वहाँ से मुझे शौक आया कि बड़ी अच्छी चीज़ है. हाँ. उनसे सीखती रही, उसके बाद कोर्स किया और उसके बाद खुद से स्टार्ट किया सारा कुछ. अब ये सारा कुछ करती हूँ. क्या क्या बनाती हैं, किस काम में आप एक्सपर्ट हैं, किस तरह की चीज़ें? अभी आप बात कर रही थी पिस्ते के वाली. हाँ. वो कर चुकी हूँ. कर चुकी हूँ. हाँ. अंडिया का वो जो होता है ट्रे, उससे फ्लावर्स बनाती हूँ. और ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, इससे मैं ये झूला और इस तरह के घर और इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ. लवली लवली. और ये जो डो की चीज़ें, डिफरेंट से फ्लावर्स, वॉल हैंगिंग, डिफरेंट चीज़ें. ठीक हो गया. तो अभी आप क्या बनाकर दिखाने वाली हैं? वॉल हैंगिंग बनाएंगे. वॉल हैंगिंग बनाने वाली हैं. चले लीना, आप बनाती रहे और साथ साथ हमें बताती भी रहे कि आपने किस तरह से इसको बनाया. थैंक यू. और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये भी बताएं. ग्लू गन जाहिर है. हाँ. सबसे पहले उसके बाद डो के कोई भी फ्लावर्स बने हो आपके पास, जो भी चीज़ें हैं डो से, वो अरेंज करनी है. मार्केट से फ्लावर्स मिल जाते हैं इजी, ये वाले ठीक है, ये ले लें. अगर आप खुद नहीं बना सकते, मोल्ड्स हैं, मोल्ड्स में बना लें. डिफरेंट स्पैरोस और चीज़ें भी मार्केट से मिल जाती हैं, बस वो अरेंज मिल जाए और अरेंज करें. प्यारी, चलिए मैं आपके पास ही आ जाती हूँ ताकि साथ साथ मैं आपसे सवाल करती रहूँ कि आपको क्या है क्या नहीं. तो अलीना, अच्छा डो से ही आपने फ्लावर्स खुद बनाए? खुद बनाए हैं सारे. ये मोल्ड से बना हुआ है. ये मोल्ड से बना हुआ जनाब, ये देख लें आप. ये मैं इस कैमरे में दिखाऊं कि इसमें दिखाऊं? इसमें दिखा देती हूँ. आप इसे कैम टू, ये है. हाँ ठीक हो गया. ये देखिए जी, ये डो से फ्लावर्स बनाए हुए इन्होंने. और अच्छा, ये किस तरह से बनाती है लीना? ये मोल्ड से बनते हैं. ये डो इसलिए मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये खराब नहीं होते. खराब नहीं होते तो इनका वेट भी लो है. ये गिरे भी, ये टूटेगी भी नहीं, खराब नहीं होगी. तो इनको फिक्स करने के लिए कुछ स्प्रे या कुछ इस तरह? कुछ भी नहीं. अच्छा, कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं है, बस ज्यादा से 20 मिनट रखे, ड्राई हो जाते हैं खुद ही. और इससे सबसे ज्यादा अच्छी चीज उसकी ज्वेलरी बनाना. ज्वेलरी वो लो वेट होती है. हाँ, लो वेट ज्वेलरी. अभी आपने ये फ्लावर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बस ये मैं अरेंज करूंगी. बस ठीक हो गया. तो ग्लू गन से आप इसको अरेंज करती रहेंगी. और ये फ्रेम आपने वुडन मार्केट से लिया? मार्केट से लिया. दिखाएं जरा ये देखने वालों को हमारे. ये जनाब, ये वुडन जो है फ्रेम है जो मार्केट से अवेलेबल है. और आप इसको वहां से लेकर और इसके ऊपर आप जो डो से बने फ्लावर्स हैं. अच्छा, फ्लावर्स बनाने के लिए कोई टेक्निक होती है स्पेसिफिक या आपको बस आपके हाथ में सफाई होनी चाहिए? टेक्निक्स भी हैं इसके. आपको मोल्ड्स भी मिल जाते हैं और इसके अलावा आपको इसके टूल्स मिलते हैं जिनसे आप इजी बना सकते हैं. अगर आपको हाथ से बनाना नहीं आता तो, कुछ लोगों को नहीं आते ना, उसके लिए इजी है कि आप मोल्ड ले लें. मोल्ड ले लें, ठीक, वो ज्यादा इजी है. जबरदस्त. अच्छा जनाब, भी आप इससे मैं लगाती जाऊंगी. बस ये सबसे इजी है, पहले बना के रख लें. पहले बना कर रख लें तो इसके साथ आप लीज में भी लगाऊं एक. मुझे भी शौक हो गया देखकर. गर्म है बस ध्यान से. अच्छा, इसको ऐसे करना है थोड़ा सा. प्रेस करूं? प्रेस करें. अच्छा ठीक है, यहाँ लगा. यहाँ लगाना है इसको. लवली, इतना इजी है. खराब तो नहीं हो गए? नहीं नहीं. ये खराब नहीं, तो कलरफुल ही बनेगा. ठीक हो गया. अच्छा, ये लीव्स कहाँ लगाएंगे हम? ये साइड पे, यहाँ पे. यहाँ साइड पे. चले मैं इसको भी ट्राई करती हूँ कि लग जाए. और ये ग्लू गर्म होती है नाजरीन, तो इससे आप बिल्कुल कोई पंगा ना ले घर में. ऐसे लगा दूं? बिल्कुल. आई एम वेरी बैड एट इट. एक्चुअली आई कैन इमेजिन हाउ बैड आई एम. अच्छा अलीना, कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं कि आप जब कोई चीज बनाने बैठे हैं आपके माइंड में कुछ स्केच होता है लेकिन एंड पे कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है. ऐसा होता है आपके साथ कभी कभी? होता है कि अकेले बैठे तो फ्लैश कुछ और हो रहा होता है माइंड में और बना कुछ और देते हैं. हाँ हाँ, बहुत दफा ऐसे करते हैं. ठीक हो गया. ये देखे नाजरीन, कितनी चीज हेल्प करते हैं कि आपको गुस्सा हो. इसको यहाँ लगाऊं या कहाँ लगाऊं? लगा, यहाँ लगा दूँ. मुझे इसके और साथ ये फ्लावर अच्छा लगे. देखे इतना फन है, इतना मजा आता है. इसको मैं जरा साइड पे कर लूँगी, कैमरा इसको देख नहीं पा रहा. तो हम इसको, ओ ये हाथों पे भी चिपकती है. ओ माय गॉडनेस, इसके बाद मैं ऐसे उतर जाती. अच्छा उतर जाती. अच्छा अलीना, आप और क्या क्या बनाती हैं, इससे क्या यूटिलाइज करती हैं, क्या चीजें हैं? मैं इसे अभी अब जो बना रही हूँ वो ज्वेलरी बना रही हूँ. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शो करूंगी. अभी तो ज्वेलरी का कर रही हूँ क्योंकि लो वेट है. सबसे अच्छी चीज है, सबको पसंद. ये बटरफ्लाईज आपने मार्केट से लिया? ये मार्केट से लिया. ओके ग्रेट. आधे से ज्यादा मटेरियल मार्केट से मिल जाता है इजीली. इसमें मुझे लग रहा है ग्लू नहीं है अब. है इसको टेस्ट कर. अच्छा ठीक हो गया. और ये देखिए नाजरीन, मैं उठा काम कर रही हूं. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ लेकिन मैं करे जा रही हूँ. लेकिन कहाँ लगाऊं? यहाँ ही लगा लो. ये साइड आपकी हो गई, मेरी हो गई. हाँ ठीक हो गया, साइड डिवाइड कर लिया नाजरीन मैंने. ये आधी साइड मेरी और आधी अलीना की है. देखिए हमने बना लिया. ये वॉल हैंगिंग है. अच्छा इसको फोटो फ्रेम भी बना, है ना, बना सकते हैं ना. पीछे हम कार्ड अटैच करके, देखें आप इधर इसका कार्ड अटैच कर लें और उसके बाद आप इसका बना दें. ये क्या नाम है इसका,
आइडिया अच्छा है ना, मैंने अच्छा आइडिया दिया है। हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट होते हैं थोड़ा, वो बस आपको एक होता है ना उस पुश की जरूरत होती है, लेकिन मैं इतनी कोई बॉर्न आर्टिस्ट नहीं हूँ। अच्छा ये देखिए, ये सारे जो फ्लावर्स हैं बेसिकली ये अलीना ने खुद से बनाए हुए डो के साथ, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ग्लू गम के साथ इसको अटैच कर दिया, और इस पे जो जो आपको उन्होंने बताया कि आपको इस पे वो भी मिल जाते हैं जो मार्केट से अवेलेबल भी होते हैं, और आप इनके जो मोल्ड से भी बना सकते हैं, उनसे भी आप इसको बना सकते हैं, और ये फोटो फ्रेम, और आप इसको घर पर लगा सकते हैं। वाह जबरदस्त अलीना, अभी हम जरा उधर चले और हम आपकी उन चीजों का भी जायजा ले लेते हैं क्या है। ठीक हो गया, आ जाए जी, चलिए हम देखते हैं। अब अलीना यहाँ पे मेरे ख्याल से ज्वेलरी बॉक्स बनाया, राइट? हाँ जी बिल्कुल, ये ज्वेलरी बॉक्स। अच्छा, इस ज्वेलरी बॉक्स का भी हमें बताएं, ये प्लास्टिक से है और ये क्यों? अच्छा ये पूरा उतरेगा? उतर जाता है। ओके ग्रेट, इस पे क्या क्या लगाया था? इस पे स्टोन्स हैं, मार्केट वाले फ्लावर्स हैं, सीशेल्स भी हैं, सीशेल्स भी हैं। लवली, मुझे सीशेल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि सीशेल से आपको ज्वेलरी इसकी बहुत अच्छी बनती है, बनती भी है और मिलती भी है। मैं तो कल खरीदी थी, लेकिन ये आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत इजी। और ये आपने नीचे भी स्टोन लगाया क्योंकि वो जब बैलेंस करने के लिए आपने स्टोन, ये देखिए जी, जिसमें वेट आता है फिर बैलेंस करना जरूरी है। देखिए बैलेंस करने के लिए इस पे स्टोन्स लगे हुए हैं, वेट आता है तो आप इसको वैसे किसी शीशे वाले पे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं किसी पे भी कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के बजाय शीशे पे, क्योंकि शीशा पे ज्यादा हैवी हो जाता है, उसको मटेरियल लगाओ। ये देखिए जी, ये क्या है? ये सेमी कोकोनट शेल है, ये कोकोनट शेल है, उसके नीचे शीशा लगे हुए हैं। अच्छा ये देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर मिली है। अच्छा जी, ये सीशेल है जो इसके नीचे, ठीक है, और ये सारा जो कोकोनट यानी कि नारियल का हॉल है उसके ऊपर इन्होंने क्या क्या थ्रेड वर्क है, ये सारा थ्रेड वर्क और फ्लावर्स है, कुछ मार्केट वाले और कुछ ये डो वाले, ठीक हो गया, ये सारे मोल्ड से बने हुए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये है ग्लिटर शेड भी है, ग्लिटर शेड भी है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इसके अंदर मोमेंट बिठाई गया, ठीक है, मोमेंट, ये भी मैं खुद बनाई है। हाँ इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, और इसके साथ ये क्या आपने मुझे टर्टल दिखाया? ये देखें जी, टर्टल है, जबरदस्त जनाब जबरदस्त, ये हो गया इनका। और इसके साथ साथ ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हैं छोटे छोटे, ग्रेट। अलीना आप तो बहुत, ये कितना टाइम लग जाता है बनने में, तो इस तरह की कोई चीज आपने बनानी हो, अगर छोटी हो तो 10 to 15 minutes, 10 to 15 minutes में बन जाते हैं। तो आप इसका प्रॉपरली कोई एग्जीबिशन वगैरह भी करी है? करती हूँ, जरा दिखा दूँ ना, एग्जीबिशन भी करती हूँ, इसका ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हूँ। ऑनलाइन भी कर रही है, किस नाम से आपका पेज? जॉन रेज के नाम से, जॉन रेज, ओके। ये क्या है जनाब? ये भी ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स है। ये ऑर्गेनाइजर की जो मैं आपको बात कर रही थी ना कि आप ऑर्गेनाइजर, इवन ट्रेवल में बहुत आप आसानी से कैरी कर सकते हैं, मुझे लगता है लाइट वेट भी है, मैं इसी हवाले से सोच रही हूँ, ये अच्छा है। अच्छा ये किससे बनाया है आपने अलीना? ये बॉक्स था खाली प्लास्टिक का, और उसके अंदर ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, और यहाँ पे ग्लिटर शेड है, ये रिंग्स रखने के लिए। अच्छा आइसक्रीम स्टिक्स हैं और रिंग्स रखने के लिए, और ये फोमिक शीट। अच्छा रिंग्स रखने के लिए, ये देखें आप इसमें रिंग्स रख सकते हैं जो आपको मार्केट में नजर आती है। लवली लवली, चलिए अलीना थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, बड़ा जबरदस्त आप काम कर रही हैं, और हमें खुशी है कि आप इतनी जबरदस्त जो एक्टिविटीज हैं, क्योंकि घर फारिग में इतने से बेहतर है कि बहुत सारी ऐसी चीजें कर लें और कुछ ना कुछ कर लें, और हर बच्ची में कोई ना कोई ऐसी टैलेंट हो तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए डेफिनेटली जनाब। और इसके साथ साथ अलीना को मैसेज आर्ट्स एंड क्राफ्ट के हवाले से हमारे देखने वालों को आप देना चाहें? मैं यही कहूंगी कि फ्री ना बैठे, अपना टैलेंट यूज करें, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उसको जरूर यूज करें, और सबसे अच्छा तरीका ये, क्योंकि आप कलर्स को देखेंगे आपका स्ट्रेस डिप्रेशन खत्म होता है। ओह यस, कलर्स को देख के स्ट्रेस और डिप्रेशन वाकई आपका कम होता है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मजीद हमारे पास न्यू स्टोरीज हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।